Hello everyone, today we are going to solve question number 7, that is evaluate the following using suitable identities. This is for class 9 Maths NCERT of chapter polynomials chapter 2, and this is from exercise 2.5 question number 7. Aaj hum karenge question number 7 ka question number 3. Kya hai? Evaluate the following using suitable identities. Question number 3 karenge. क्वेश्चन नंबर 3 में है 998 टू द पावर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है 998 टू द पावर 3. 998 टू द पावर 3, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 टू द पावर 3. यहां पर जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे a माइनस b टू द पावर होल क्यूब. a माइनस b to the power whole cube, that is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ये हमारा identity है, right? यहाँ पर a कितना है? a है 1000 और b जो number है वो है 2. ये वाला identity हम use करेंगे. सबसे पहले देखेंगे a cube, यानी कि 1000 का cube, 1000 to the power cube minus b cube minus 2 to the power cube minus 3ab, 3 into a means 1000 into b means 2 into a minus b, that is 1000 minus 2, right? Now 1000 to the power cube, that means 1 कितना जीरो होगा? 3, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? 9, 0. Minus 2 to the power cube. 2 को अगर 3 पर multiply करेंगे तो होगा 2 to the 4, 4 to the 8. Minus 3 into 2, 3 to the 6. Right? तो हम करेंगे 6. कितना जीरो है? 1, 2, 3. 1, 2, 3 into 1000. माइनस 2, राइट? अभी ए वाला नंबर लिखेंगे 1, कितना जीरो? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस 8, माइनस 6 into 1, that is 6 on the 6, कितना जीरो है? 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस into माइनस is प्लस, 6 to the 12, कितना 0 है? 3 0 है, 1, 2, 3, right? अभी हम क्या करेंगे? ये जो plus है, और ये जो plus है, इसे हम add करेंगे, right? Add करने के बाद, हमारे क्या होता, वो हम देखेंगे, सबसे पहले, right? Let us see, ये number अगर add करते हैं, तो हम कितना 0 है? 1, 9 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये वाला नंबर चीज ऐड करेंगे 0, 0, 0, 2, 1. ये हम अगर ऐड करते हैं हमें मिलता है 0, 0, 0, ये होगा 2, ये होगा 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, right? तो ये जो नंबर मेरा मिला ये होगा 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, माइनस, ये है 6, ये अगर हम ऐड करेंगे माइनस 8 और माइनस दिस नंबर, तो हमारा आएगा, ये लास्ट में 8 हो जाएगा, माइनस 6, कितना जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में आएगा 8, ये नंबर, हम अभी ये नंबर से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये क्या आता है, राइट? तो हम देखेंगे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा नंबर क्या आता है, राइट? तो हम इसे माइनस करते हैं, क्या नंबर है? ये है 8, यहां पर लास्ट में 8, कितना जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, और लास्ट में 6, ये वाला है 6. अगर ये नंबर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है हम देखते हैं, राइट? माइनस करेंगे तो मेरा नंबर आएगा 8 है, तो 2 कैरी 1 होगा 9,
कैरी 1 होगा 9, 2 माइनस 1 इज 1, ये 1, 0, 6 है, निकला 4, कैरी 1, 9, 9, राइट, दैट इज 9940, 9940, 11992, ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा 9994011992992, ये हमारा आंसर होगा, राइट। डियर फ्रेंड्स, इसे हम और एक बार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, मेरा क्वेश्चन है 998 टू द पावर होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 टू द पावर होल क्यूब, और जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे दैट इज ए माइनस बी होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए कितना है 1000, बी कितना है 2, दैट इज 1000 माइनस 2 होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम ए नंबर मिलेगा 9940 11992। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।